हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मोटी टू विन में। सो फ्रेंड्स, आज ऐसे पांच स्टेप आपको बताने वाला हूँ जिससे आप $100 डेली कमा सकते हो, और $100 क्या उससे आप $500 से $1000 भी आसानी से कमा सकते हो। वो आपके स्किल्स पर मैटर करेगा। सो आज हम आपको बताने वाले हैं पांच स्टेप। उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसा एक स्टेप है जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ और अर्निंग करता हूँ। तो वो क्या है वो आपको लास्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहला स्टेप है बाय ड्राइविंग कार इन ऊबर एंड ओला। अगर आपको कार चलाना आता है या फिर कार नहीं भी चलाना आता है तो कोई बात नहीं, कार चलाना आता है तो आप ऊबर या ओला में ड्राइव कर सकते हो। इससे आप एक दिन में भी कम से कम 5 से 6 हज़ार भी कमा सकते हो। या फिर आपको ड्राइविंग कार नहीं पसंद है तो आप अपनी कार को ऊबर या ओला में भी दे सकते हो। ये काफ़ी आसान है। दूसरी चीज़ है एनिमेशन वीडियोस। एनिमेशन वीडियोस का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है स्कूल्स में, यूट्यूब पे, यहाँ तक कि कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी अब एनिमेशन का सहारा लेती हैं एम्प्लॉयज़ को समझाने के लिए। तो सोच लो एनिमेशन वीडियोस के कितने ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आपको एनिमेशन वीडियोस आता है तो आप बनाओ, और नहीं आता है तो सीख लो, और सीखना हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है, आप तब भी एनिमेशन वीडियोस बनाना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। तीसरी चीज़ है क्रिएट ऑनलाइन कोर्सेज। अगर ऑनलाइन कोर्सेज आपको बनाना आता है तो अच्छी बात है, और नहीं बनाना आता है तो सीख सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज काफ़ी लोग लेना पसंद करते हैं। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है या फिर आपके जो मटेरियल है उसमें दम है तो लोग ज़रूर खरीदेंगे। तो कुछ ऐसा बनाओ जिसको लोग खरीदना पसंद करें, ये नहीं कि आप कुछ भी बना दो। जब आप ऑनलाइन कोर्स बना रहे हो या फिर ऑनलाइन बुक बना रहे हो, ऑनलाइन PDF बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसमें कुछ नया डालो और अपनी एक टीम बनाओ जिससे कुछ नई नई बातें या फिर क्रिएटिविटी पता चले, तभी तुम्हारा कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदेगा। और चौथी चीज़ है टीचिंग ऑनलाइन। टीचिंग ऑनलाइन काफ़ी आसान थोड़ी नहीं है। टीचिंग ऑनलाइन आपको एक जिम्मेदारी का काम है। जिम्मेदारी का काम ये है क्योंकि आपके जो पढ़ाने का तरीका है वो अलग होना चाहिए, और जहाँ भीड़ कम हो वहाँ पर आप पढ़ाना चालू करिए। क्योंकि क्लास 11, 12 जो भी है जिसको भी आप टारगेट चलना चाहते हो टारगेट करिए, लेकिन सोच समझ के, और पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग रखिए ताकि बच्चों को मज़ा भी आए और समझ में भी आए। और तीसरी चीज़ है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग जितना तगड़ा होगा उतना ही तुम्हारा वायरल होगा। जितना अच्छा तुमको लिखना आता है उतना ही तुम्हारा नाम बनेगा, क्योंकि कंटेंट राइटिंग इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है, और तुमको लिखना आना चाहिए भाई, क्योंकि जैसा लिखोगे वैसा पाओगे। और अगर अच्छा लिख लेते हो तो तुमको पिक्चरों में भी काम मिल सकता है। तो अपने स्किल्स को मजबूत करो और अपनी एक जॉब को ढूंढो। तो मिलते हैं तुमको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड। आज के लिए बस इतना ही। मैं करता हूं एनिमेशन, जो कि मैंने लास्ट में बोला था बताने के लिए और मैंने बता दिया।